नमस्कार दोस्तों, भास्कर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स के सब्जेक्ट में, जो आपका एग्जाम होना है नवंबर दिसंबर में, जिसे हम कहेंगे टर्म वन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें जो भी आपसे पूछे जाएंगे सारे के सारे वो आफ्टर ऑल MCQs में होंगे। ये अलग बात है कि किसी का नाम केस स्टडी कर देंगे, किसी का नाम ट्रू फॉल्स कर देंगे, किसी का नाम फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में कर देंगे, लेकिन आफ्टर ऑल वो होने वही हैं जो एक एक वर्ड के इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा ही एक हमारे पास टॉप मोस्ट है, नंबर 15, द मैट्रिक्स इज अ, इस टाइप का एक सम मैंने पहले भी आपको कराया था और एक दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ ही कि ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या नन। खास तौर से इसमें आपको कन्फ्यूजन्स मोस्टली सभी बच्चों को रहती है, वो ये सोचते हैं कि भाई ये डायगोनल में 4-4-4 लिखा है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स तो तब होती है जब डायगोनल में 1-1 होता, वैसे ये मैन डायगोनल नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि मैन डायगोनल ये होता है, और मैन डायगोनल में अगर वहां पर जो मैन डायगोनल है उसमें लिखा होता 4-4-4 और बाकी एंट्री 0 होती तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती। लेकिन यहां पर मैन डायगोनल में एंट्रीज नहीं है, मैन डायगोनल में 4-4-4 नहीं लिखा है, ठीक है। जो सेकंड डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल है, उसमें लिखा हुआ है, हमें केवल मैन डायगोनल को जज करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हैं 1, 2, 3, और नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 3 है, यानी एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर रहेगा स्क्वायर मैट्रिक। एक और हमारे पास यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आप ये लगा के चलिए कि लगभग लगभग अगर आप 20 या 30 टीचरों से कंसल्ट करते हैं तो उनमें से सब घुमा फिरा के इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि भाई ये वाला आपने करना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आपको बतानी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब 3x3 की मैट्रिक्स होती कैसे, आइडिया देखिए सर, इस तरह से आप A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगी 3x3 की। अब उसने बोला क्या है कि ईच एंट्री 2 और 0, यानी हर एंट्री को आप या तो इसमें 2 भर सकते हो या आप इसमें 0 भर सकते हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने बैठेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी हर एंट्री को भरने के तरीके आपके पास 2 है। हर एंट्री को आप 2 तरीके से भर सकते हैं, और आपके पास टोटल एंट्री कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर 9 आई थिंक 512 होता है, यस 512 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिए जाए और आपको 3x3 की मैट्रिक्स बनानी हो तो यकीन मानिए 512 मैट्रिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बहुत ही आसान सम यहाँ पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पार्ट अभी थर्ड चल रहा है, पार्ट थर्ड है, इससे पहले भी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पब्लिश हो चुके हैं, आपने वो भी करने। तो ये जो एक सम है इसमें आपको बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, वैसे नीचे ऑप्शन में x एंड y की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो आपको जस्ट करना क्या होता है, कंपेयर करना होता है कि भाई आप जो है एक कंपेरिजन यहां पर करो दोनों के बीच में। जैसे कि ये 4x लिखा है और यहां पे लिखा है x प्लस 6, आप इसकी कंपेरिजन कर दो, 4x इक्वल टू x प्लस 6, तो आपके पास हो गया 4x माइनस x इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 6/3, दैट इज 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप एक y वाला भी कंपेयर कर लो, जैसे ये वाला है और इस एलिमेंट से कंपेयर कर लो, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो आप x के प्लेस में 2 रखो क्योंकि आपका x 2 आ चुका है, तो आपने x के प्लेस में 2 रखा है, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो आपके पास x 2 और y की वैल्यूज यहाँ पर 3 रही। अगर आपको थोड़ा सा वहां पे डराने वाली स्टाइल से कुछ किया जा सकता है तो वो ये होगा, इस टाइम पर जैसे कंडीशन चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो आपको इस तरह से सवाल को उलझा कर देंगे, जैसे मैंने जो डराने वाला वर्ड है पाई उसे रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा सबसे पहले देखेगा और बोलेगा हाय राम ये आ क्या गया,
यही वाली कंडीशन है। तो मतलब एक बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाएगा कि भाई बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आफ्टर ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट सम है। ऐसे सम्स को करते वक्त आपने जो ए की वैल्यूज या बी की वैल्यूज या जस्ट उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, आपने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करिए सर, देखिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। वन अपॉन पाई को आप बाहर रख लीजिए या अंदर ले जाइए, जैसा आपका मन करे। तो वन अपॉन पाई मैंने यहाँ पर ले लिया, वन अपॉन पाई ये मेरा ए है, साइन इनवर्स एक्स पाई, सिमिलरली वन अपॉन पाई और टेन इनवर्स एक्स पाई इस तरह से, और वन अपॉन पाई एंड द साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई एंड द वन अपॉन पाई और कॉट इनवर्स पाई एक्स, मैंने सारा इस तरह से ले लिया। सेम केस मैंने यहाँ पे करा, बीच का माइनस का निशान लगाया और यहाँ पर वन अपॉन पाई को मैं अंदर ले गया, तो वन अपॉन पाई और कॉस इनवर्स एक्स पाई, और सेम केस वन अपॉन पाई, जस्ट मैं वन अपॉन पाई को अंदर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरे पास हो गया वन अपॉन पाई और साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। ये ऐसी वीडियो है, रात को बस यही किया करो, व्हाट्सअप सब एक साथ कहीं पर दूर छोड़ दीजिए, और ये व्हाट्सअप से 100 गुना अच्छा है। पाई एक्स ये आपने ले लिया, ठीक है। आपने करना क्या, पहले आप इस माइनस के साइन को ही अंदर ले जाओ, यहाँ प्लस कर लो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और आफ्टर ऑल ये भी आपका माइनस हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे सर, तो आप ऐड करेंगे बिल्कुल इससे ये कैंसिल हो जाना है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब एक साथ लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। तो मेरे पास है, जैसे कि मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ये इस तरह से होगा सर, देखिए वन अपॉन पाई यहां पर है और आपके पास यहां पर अंदर बचा है साइन इनवर्स एक्स पाई और माइनस कोस इनवर्स एक्स पाई, ये वाला, ये दोनों एक साथ ले लिए ना प्लस में, और बीच में माइनस का निशान था इसका, तो माइनस ले लिया। जब इन दोनों को करने की कोशिश करी तो जीरो हो गया, ऐसे जब इसको और इसको आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आप वन अपॉन पाई इस तरह से लेंगे, और आपके पास यहां पर ये आ जाएगा कोट इनवर्स पाई एक्स और माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। अब देखिए सर, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये वैल्यूज होती है साइन इनवर्स एक्स, चाहे पाई एक्स बोल लीजिए, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होती है, तो आपका ये जो एंगल है सेम है, यहाँ पर वैल्यू चाहिए पूरा हटकर क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू जो हो गई वन अपॉन पाई, ये फॉर्मूला होता है पाई बाई टू का, जीरो जीरो, यहाँ पर भी सेम केस है वन अपॉन पाई और पाई बाई टू, ये सेकंड चैप्टर में है इस टाइप का फॉर्मूला, पाई से पाई आपका कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, वन ओवर टू जीरो, यानी कि आप अगर वन ओवर टू कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास वन वन और यहाँ पे जीरो और जीरो, मैन डायगोनल आपका वन वन का है तो मैन डायगोनल वन वन है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब आई अपॉन में टू इसका आंसर रहेगा। तो मैंने आपको समझाया कि अगर वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड या डरावना सम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको डरने का नहीं है, क्योंकि वो सम एक नाम मात्र का डरावना रहेगा, इस बार असली डरावना वाला तो जमाना ही नहीं है। चलिए एक और सम यहाँ पर लेकर चलते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये पार्ट थ्री चल रहा है, अभी पार्ट थर्ड है, और पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 19 में आ चुके हैं। तो यहाँ पर If A and B, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिलो दिमाग में एक बेहतरीन कन्फ्यूजन पैदा करेगा, इतनी बेहतरीन कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि आप अपनी जो नॉलेज अभी तक ट्यूशन सेंटर में आपने गेन करी थी वो सारी एक झटके में गायब हो जाएगी। लेकिन आपको जब इसके करने का तरीका पता चलेगा तो आप काफ़ी सरप्राइज होंगे कि ये तो एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा है। A और B दो मैट्रिक्स हैं, और पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, और उसके बाद कितनी नॉनसेंस बात लिखी हुई है कि m इज इक्वल टू n, यानी ये m और n इक्वल है, आपने ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो ये भी 2, 3 रखोगे तो ये भी 3, इस तरह से ही। अब आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है, ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के बीच में तब होता है जब उनका ऑर्डर पेयर ऑफ ऑर्डर इक्वल होता है। तो पेयर ऑफ ऑर्डर इक्वल होगा यानी कि 3 मल्टीप्लाई एम,
और इसका जो पेयर ऑफ ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई एन वो इक्वल होगा, और इसने एक चीज खुद ही बोल रखी है यहाँ पे कि एम जो है वो इक्वल टू एन के, तो चाहे आप एम के प्लेस में एन रख दो या एन के प्लेस में एम रख दो वही ऑर्डर इसका होगा, यानी कि इसका ऑर्डर या तो 3/m होगा या 3/n होगा, ये ऑर्डर होगा। अब 3/n तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा, तो आपके पास दे रखा है, 3/m नहीं दे रखा, तो 3/n इसका ऑप्शन यानी कि इसका ऑर्डर रहेगा। एक और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 20 पर है, आप देख रहे हैं भास्कर सर क्लासेस, और जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, वैसे MCQs की अगर मैं बात करूं तो साक्षात अगर जो पढ़ाई की देवी है सरस्वती माँ भी धरती पर आ जाती हैं और एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर होती हैं कि 12th में नवंबर दिसंबर में कौन से MCQs आ सकते हैं, तो यकीन मानिए, मेरा भरोसा करिए, उनके लिए भी ये एक मुश्किल काम होगा। बड़े जब एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये बताना क्या आएगा बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो एक एक नंबर के छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी सवाल होते हैं इनको बताना कि कौन सा आएगा ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो आप यकीन मानिए कि एक जो ग्रुप है हमारा मैथमेटिक्स जो ग्रुप है वो रात दिन एनालाइज करने के बाद भी बहुत हद तक ये बता रहा है कि जो हम यहाँ पर बना रहे हैं इसमें से 60-80% चांस है फंसने की, यानी कि इस टाइप का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिख सकता है। आपके पास ए है और एक मैट्रिक्स है और आपको ए स्क्वायर के बारे में बताना है कि वो क्या होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब होता क्या है, ए की मल्टीप्लाई ए से, और ए क्या है आपका 0, 1 और 1, 0, और इसकी मल्टीप्लाई आपने 0, 1, 1, 0 से करनी है। मल्टीप्लाई किस तरह से होती है, पहले इसकी मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करेंगे 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर आप सेकंड रो की इस वाले कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 0, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और इसकी मल्टीप्लाई 0, तो आपके पास ये मैट्रिक्स रह जाएगी 1 0 0 1, तो आपके पास आपने देखा पूरी तरह से सोल्व करके कि इसका आंसर डी रहेगा। एक और सम हमारे यहाँ पे ये रहा बहुत ही बेहतरीन सम, ये माना जाएगा बहुत बेहतरीन सम, काफ़ी बढ़िया सम इसे हम बोलते हैं। तो आपके पास इस तरह से ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक मैट्रिक्स है वो 2/2 की मैट्रिक्स है और आपको कंडीशन दे रखी है कि वो 2/2 की मैट्रिक्स आपको पहले बनानी होगी, ठीक है। तो बनाओगे कैसे, अच्छा बनाते वक्त आप 2/2 की मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हो ना, A11, A12, A21, A22 ये लिखते हो ना, तो आपको ये देखना है क्या कह रहा है। इस तरह से आपको नई भाषा में कुछ बोलेगा, अगर वो नई भाषा में ना बोल के हमारी देसी भाषा में बोले तो आप चुटकियों में सारे के सारे सॉल्व कर दोगे, लेकिन वो थोड़ा सा उसे कंफ्यूजिंग एक मैथमेटिक लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेगा। इसने बोला कि अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो 1 रखना, और अगर आई यानी कि रो जे के इक्वल है तो 0 रखना। अब देखिए सर यहाँ पे आई यानी कि पहली रो, जे यानी कि पहला कॉलम इक्वल है ना, तो जहां इक्वल है वहां 0 रखना, रख लिया। यहाँ पे आई 1 है, कॉलम जे 2 है, इक्वल नहीं है तो यहाँ 1 रखना, है ना मजा। मतलब एक रिडल सी बना रखी है जिंदगी को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि A22 तो यहाँ पे जब सेम है तो आपके पास ये 0 ऑप्शन रहेगा। तो अब आपके पास ये आ गया A और आपको निकालना है A स्क्वायर। अभी अभी हमने ऊपर इससे पहले वाले सम में करा था कि अगर इसकी इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 1 0 और यहाँ पे 1 1 0 0, ये आता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है जिसका मेन डायगोनल 1 होता है। चलिए दोस्तों एक और सम ले लेते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 और काफी आसान सम है, लेकिन आई रिपीट कि इस टाइप का एक सम आपसे या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो पूछ के ही दम लेंगे। तो एक मैट्रिक्स आपके पास है, आपको दी जाएगी एक मैट्रिक्स और आपसे कहा जाएगा कि आपको बताना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नन ऑफ द दीज है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आप बस एक काम करा करो, ये जो मैट्रिक्स है इसे आप ए मान लो और फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज लगा लो चाहे डैश लगा लो, जो आपका मन करता हो डैश लगा लो, ठीक है। और ट्रांसपोज का एक ही मतलब होता है रो चेंज इन टू कॉलम, यानी रो को कॉलम कर दो, 100 रो था ना ऐसे कर लो 100, 020 रो है ना कॉलम कर दो तो 020, 004 रो है ना कॉलम कर दो 004। अब इसको देखो कि ये क्या है, अरे ये तो वही आ गई,
आपने देखा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही आ जाए तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो इसका आंसर बी रहेगा। आई रिपीट कि इस टाइप का या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का एक सम वो आपको जरूर देंगे।